हाय फ्रेंड्स, आपणंकु स्वागत करुछि स्टडी विथ रिंकु साहू चैनल रे। एही क्लास रे आमे कोन पढ़ा रॉयल एक्ट 1919 एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड विषय एही क्लास रे पढ़ा एवं लास्ट रे आमे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। आपण जे कोन से एग्जाम दउचंती तहाले या मोस्ट इंपोर्टेंट टे एही बोली। आपण जदि अन्य समस्त क्लास देखिबा पई चाहंती तहाले आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जे आपण देखि परिबे। प्लेलिस्ट समस्त सेपरेट प्लेलिस्ट कर दिया जाइछि, आपण सेटा को जे देखिपारिबे। तेणु आरंभ करबा क्लास को। प्रथमे देखिबा रॉयल एक्ट एक्ट को एवं तापर जालियांवालाबाग हत्याकांड विषय पढ़िबा। तापर आमे लास्ट रे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करबा। ऑफिशियली नोन एज द अनार्चिकल रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। रॉयल एक्ट 1919 को कौन कहा जाए? ऑफिशियली अनार्चिकल रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 कहा जाए। यहाँ पास्ट इन मार्च 1919 बाय द इंपेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एवं यह रॉयल एक्ट 1919 को कोठारे पास करा जाइतला? इंपेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे पास करा जाइतला मार्च 1919 मसेरे। दिस एक्ट ऑथराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनीबॉडी सस्पेक्टेड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी। कहा को मध्य से ता द्वारा अरेस्ट कर दिया जाइतला एवं टेररिस्ट एक्टिविटी रे ऐड कर दिया जाइतला यह रॉयल एक्ट 1919 द्वारा। इट ऑल्सो ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू डिटेन सच पीपुल आरेस्टेड फॉर अप टू 2 years विदाउट ट्रायल। एवं किसी लोकों को आरेस्ट कर दिया जाता एवं 2 वर्ष पर्यंत जेल रे भरी दिया जाता बिना कारण रे। एवं एबे कौन अच्छे कारण? जदि आपन को पुलिस नहीं जाए ताले 24 घंटा मध्य आपन को नेब एवं कोर्टारे से पेश कर ट्रायल चलिबो एवं तापर आपन को सजा होता है। किंतु यहाँ द्वारा कौन कर डायरेक्ट आपन को 2 वर्ष जेल कर दिया जाता बिना कारण रे एवं तहार ट्रायल मध्य चलु नथिला। इट इम्पावर्स द पुलिस टू सर्च ए प्लेस विदाउट ए वारंट। बिना वारंट रे से कर दउथला। इट ऑल्सो प्लेस सर्व रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस। एवं प्रेस रो फ्रीडम को मध्य रेस्ट्रिक्शन करा जाइतला। प्रेस रो फ्रीडम को रेस्ट्रिक्शन करा जाइतला ताकु मध्य फ्रीडम दिया जाउ नथिला प्रेस को। द एक्ट वाज पास्ड एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द रॉयल एक्ट कमिटी चेयर्ड बाय ए जज सर सिडनी रॉयल एक्ट। एवं एहाकु कहार रिकमेंडेशन रे पास करा जाइतला? रॉयल एक्ट कमिटी रो। एवं एहार जज किए थिले? सर सिडनी रॉयल एक्ट एहार जज थिले। द एक्ट वाज वाइडली कंडेम्ड बाय इंडियन लीडर्स एंड पब्लिक। द बिल केम टू बी नोन एज ब्लैक एक्ट। एवं एहा कोन दिया गला? आम इंडियन मानक द्वारा बा गांधीजी द्वारा कला कानून बा ब्लैक एक्ट नाम एहाकु दिया जाइतला। द एक्ट वाज पास्ड डिस्पाइट अन एनिमियस ओपोजिशन फ्रम द इंडियन मेम्बर्स अफ द काउंसिल अल अफ हुम रिजेन इन प्रोटेस्ट। दिज इनक्लूडेड मोहम्मद अली जिना मदन मोहन मालविया एवं महर यूए हेक। यह तीन जन कौन कही प्रोटेस्ट करते आम इंडियन मेम्बर्स मान द्वारा प्रोटेस्ट कराद्वारा पास कर दि जाइए। एथपाय मोहम्मद अली जिना मदन मोहन मालविया एवं महर यही तीन जन कौन करते रिजाइन दे देते काउनसिल। इन रेस्पन्स टू दिस एक्ट ए नेशन वाइड हड़ताल वाज कॉल्ड बाय गांधीजी ऑन 6 April। दिस वाज कॉल्ड रॉयल एक्ट सत्याग्रह। एवं यहाँ समस्ते प्रोटेस्ट करुले हड़ताल करुले गांधीजी द्वारा कौन कर 6 April 1919 मसीह कौन नाम दिगला? रॉयल एक्ट सत्याग्रह नाम दिगला गांधीजी द्वारा 6 April 1919 मसीह रॉयल एक्ट सत्याग्रह नाम नामित करगला। तापर नेक्स्ट देखा द मूवमेंट वाज कैंसल बाय गांधीजी व्हेन इट वाज मेड बाय द रियोटिंग इन सम प्रोविंसेस पार्टिकुलरली इन पंजाब व्हेन द सिचुएशन वाज रिजाइम। अर्थात यही सिचुएशन होता सेठे टैकल कर नौला सिचुएशन को बहुत गंभीर सिचुएशन था जोटार कि मिलिटरी मैंने शासन करुले से गांधीजी कौन करते कैंसल कर देते यहाँ ए प्रोटेस्ट को। पंजाब वाज पुट अंडर मार्शियल लॉ। कौन थी मिलिटरी शासन बा मार्शियल लॉ लगा जाइए पंजाब रे व्हिच मीन्स दैट इट बिकेम अनलॉफुल फॉर मोर देन 4 people टू असेंबल एट ए प्लेस। अर्थात गोटे जगार चारज रही पार नए यहाद्वारा कौन कर दिया जाता 2 वर्षपाई जदि कौन सी जगह जदि चारज देखि पाते हैं 2 वर्षपाई जेल रे डायरेक्ट भरी दि जाता। टू पॉपुलर कांग्रेस लीडर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन खिचलू वेयर अरेस्टेड। द प्रोटेस्ट वाज भेरी इंटेंस व्हेन एक्ट केम इनटू इफेक्ट एंड आर्मी वाज कैंसल्ड आर्मी वाज कॉल्ड टैकल द सिचुएशन। अर्थात यह द्वारा कौन कर सत्यपाल एवं
सैफुद्दीन खिचलू को आरेस्ट कर दिगला और यहाद्वारा आहरी प्रोटेस्ट बढ़ी जाता एवं आर्मी मैंने यठार कौन करुले सिचुएसन को टैकल करुले नेक्स्ट देखा जालियांवाला बाग हत्याकांड विषय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब एट द टाइम वाज माइकल ओ डायर लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज द वाज इंडियन वाइसरॉय अर्थात से समय माइकल ओ डायर थे पंजाबर गवर्नर थे एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे आम देशर वाइसरॉय थे ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी ऑन 13 एप्रिल 1919 इन जालियांवाला बाग ए पब्लिक गार्डन इन अमृतसर ए क्राउड ऑफ नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट हेड गैदर अर्थात 13 एप्रिल 1919 दिन कौन कर बैसाखी पूर्णिमा पालन कर जालियांवाला बाग ठारे पंजाब अमृतसर जालियांवाला बाग ठारे बैसाखी पूर्णिमा पालन कर 13 एप्रिल 1919 मसीह अल्सो एमंग द क्राउड वेयर पिलग्रिम हु हैड कम टू सेलिब्रेट बैसाखी जेनेल डायर केम देयर विथ दिस ट्रुप्स एंड ब्लॉक द नेरो एंट्रांस टू द गार्डन देन विदाउट वार्निंग ही ऑर्डर्स हिज ट्रुप टू फेयर एट द अर्नाम क्राउंड्स व्हिच इनक्लूड चिल्ड्रेन एज वेल एज अर्थात कौन करद्वारा जेनेल डायर आसी कौन करते से फायरिंग करदे ट्रुप्स द्वारा आसी से फायरिंग करदे क्या नजण फायरिंग करदे से ही दिन 13 एप्रिल 1919 द्वारा However, Dyer was appreciated by many in Britain and the British in India. Although some people in the British government were quick to criticize, the government set up the Hunter Commission to inquire in the massacre. अर्थात समस्ते क्रिटिसाइज करते यहाँ समस्ते क्रिटिसाइज करते आम देशर लोक मैंने ये कौन कर गवर्नमेंट कौन कर Hunter Commission को गठन करा कहीं गठन कर इनक्वारी करवाई से फायरिंग करते इनक्वारी करने हंटर कमिशन को गठन कर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मेस्किर द ब्रिटिश फेल्युअर टू गिव ड्यू जस्टिस रवींद्रनाथ टागोर गेव अफ हिज नाइटहुड टाइटिल एंड गांधीजी केसरे हिंद कौन करते उधम सिंह ये कौन करते उधम सिंह नुहे रवींद्रनाथ टागोर तांकर नाइटहुड टाइटिल को से लटे देते रिटर्न करदे गांधीजी मध्य केसरे हिंद टाइटिल को रिटर्न करदे उधम सिंह क्या मारिदे 1940 मसीह उधम सिंह मारी माइकल ओ डायर को मारी जेनेल डायर को नुहे माइकल ओ डायर को से मारी तेणु फ्रेंड्स आपड़ जब बुझीपारे वीडियो को लाइक कर दिंतु चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और बुझीपारिना मोस्ट इंपोर्टेंट 30 MCQ क्वेश्चन को डिस्कशन करवा जालियांवाला बाग हत्याकांड रॉयल एक्ट एक्ट रु मोस्ट इंपोर्टेंट 30 MCQ क्वेश्चन को डिस्कशन करवा आपड़ जब बुझीपारिना क्वेश्चन द्वारा आप बुझीजे तेणु आरंभ करवा क्लास को इन ह्विच इयर द रॉयल एक्ट एक्ट वाज पास्ड रॉयल एक्ट एक्ट केबे पास होता आपण चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ वीडियो को लाइक करना लाइक करूँ इन ह्विच इयर द रॉयल एक्ट एक्ट वाज पास्ड रॉयल एक्ट एक्ट केबे पास होता 18 मार्च 1919 मसीह रॉयल एक्ट एक्ट पास्ड होता नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट इज द रियल नेम ऑफ रॉयल एक्ट एक्ट रॉयल एक्ट एक्टर रियल नाम कौन थी रॉयल एक्ट एक्टर रियल नाम था अनार्चिकल रेवल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 यार सठिक आंसर हम डी अनार्चिकल रेवल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 रॉयल एक्ट एक्टर अन्य नाम था ह्विच फेमस लॉ वाज इम्पोज्ड इन द नॉर्दर्न इंडिया अगेंस्ट द रॉयल एक्ट एक्ट रॉयल एक्ट एक्ट विरोध में कोई लॉ को लगा जाता नॉर्थ इंडिया रे बा पंजाब ठारे लगा जाता मार्शल लॉ बा मिलिटरी शासन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंपीरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हिच पास द रॉयल एक्ट एक्ट इंपीरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल रो प्रेसिडेंट किए थे जी की रॉयल एक्ट एक्ट को पास करते सर सिडनी रॉयल एक्ट यार सटिक आंसर हो सर सिडनी रॉयल एक्ट थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु रिजाइन फ्रॉम इंपीरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर द रॉयल एक्ट एक्ट वाज पास जिते बारे रॉयल एक्ट एक्ट पास होता से ही समय किए रिजाइन करदे इंपीरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल मोहम्मद अली जिना एवं मदन मोहन मालविया एवं महर उल हक ये तीन जन रिजाइन कर देते
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच लेजिस्लेटिव असेंबली पास द रॉयल एक्ट एक्ट को लेजिस्लेटिव असेंबली पास करितिला रॉयल एक्ट एक्ट को इंपीरिकल लेजिस्लेटिव असेंबली यार सटीक आंसर होची इंपीरिकल लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया अंडर रॉयल एक्ट एक्ट रॉयल एक्ट एक्ट रे कोन थिला अरेस्ट विदाउट वारंट इम्प्रेजन विदाउट ट्रायल एंड जरी डिटेनशन फर टू इयर्स ये समस्त थिला रॉयल एक्ट एक्ट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट लीडर आर अरेस्टेड अंडर रॉयल एक्ट एक्ट 9 अप्रैल 1919 दुईटी ग्रेट लीडर को अरेस्ट कर सैफुद्दीन किजिलू एवं डॉक्टर सत्यपाल मल्लिक यह दुई जन को अरेस्ट कर दी जाइला 9 अप्रैल 1919 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ रॉयल एक्ट एक्ट व्हिच वाज गिवन बाय महात्मा गांधी रॉयल एक्ट एक्ट को महात्मा गांधी को द्वारा कौन नाम दि जाइला यह दी ब्लैक एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ऑन व्हिच डेट द रॉयल एक्ट सत्याग्रह टेक प्लेस रॉयल एक्ट सत्याग्रह केबे होइतिला 6 अप्रैल 1919 मसीह रॉयल एक्ट सत्याग्रह होइतिला गांधीजी द्वारा। हु आज द ओनली इंडियन ऑफिशियल मेंबर हु सपोर्टेड द रॉयल एक्ट एक्ट किए केवल जड़े मात्र ऑफिशियल मेंबर थे मेंबर थे जी कि रॉयल एक्ट एक्ट को सपोर्ट करुले इंडियन मेंबर थे से यार सटिक आंसर हेब नन अफ द एबव हेब यार सटिक आंसर हेब नन अफ द एबव एवं किए करते आपन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ किए करते आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ। हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन रॉयल एक्ट एक्ट वाज पास्ड रॉयल एक्ट एक्ट जेबे पास होता से समय आम देश वाइसराय किए थे रॉयल एक्ट एक्ट के पास होता 1919 मसीह वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट जालियांवाला बाग मैसकर इंसिडेंट टुक प्लेस जालियांवाला बाग हत्याकांड केबे होइतिला 13 अप्रैल 1919 मसीह ऑप्शन रे नहीं 13 अप्रैल 1919 मसीह होइतिला जालियांवाला बाग हत्याकांड। हु वाज द रेस्पोंसिबल फॉर द जालियांवाला बाग मैसकर जालियांवाला बाग हत्याकांड पई के रेस्पोंसिबल अटे जनरल रीजनल ऑर्डर यार सटिक आंसर हे जनरल रीजनल ऑर्डर हे यार सटिक आंसर जनरल सर माइकल ऑर्डर थे पंजाब रो गवर्नर थे एवं जनरल रीजनल ऑर्डर हे यार सटिक आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्नर ऑफ पंजाब एट द टाइम ऑफ जालियांवाला बाग इंसिडेंट जिते बेले जालियांवाला बाग हत्याकांड होता से ही समय पंजाब रो गवर्नर किए थे माइकल ओडर थे पंजाब रो गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द डेस कमिशन वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द जालियांवाला बाग मैसकर जालियांवाला बाग हत्याकांड को इन्वेस्टिगेट करने जांच करने को कमिटी को गठन कर हंटर कमिशन बा हंटर कमिटी को आपण को हंटर कमिशन देपे हंटर कमिटी देपे तेणु यह गठन कर जांच करने जालियांवाला बाग हत्याकांड को व्हिच टाइटल वाज गिवन टू महात्मा गांधी व्हिच ही गेव अप आफ्टर द जालियांवाला बाग मैसकर अर्थात जालियांवाला बाग हत्याकांड पर को टाइटल को महात्मा गांधी से रिटर्न कर दे केसरी हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु रिनाउंस हिज नाइटहुड टाइटल ड्यू टू जालियांवाला बाग मैसकर जालियांवाला बाग हत्याकांड पर यह नाइटहुड टाइटल को किए रिटर्न कर दे रवींद्रनाथ टागोर यार सटिक आंसर हो रवींद्रनाथ टागोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु किल द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओडायर को किए किल करते मारी यार सटिक आंसर हो उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन ह्विच ईयर उधम सिंह वाज हैंगेड बाय द ब्रिटिश गवर्नर बा ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा से केवे तांको फांसी दिया जाइतिला 1940 मसीह फांसी दिया जाइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ऑन व्हिच डेट महात्मा गांधी विड्रॉ द रॉयल एक्ट सत्याग्रह आफ्टर जालियांवाला बाग मैसकर
जालियांवाला बाग हत्याकांड पर केवे विड्र करते से रॉयल एक्ट सत्याग्रह को से केवे विड्र करते 1919 एप्रिल 1919 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हाट वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ द हंटर कमिशन विथ ए सेटअप फॉर इन्वेस्टिगेट अबाउट द वर्चुअल मैस्कर ऑफ जालियांवाला बाग। हंटर कमिशन बा हंटर कमिटर ऑफिशियल नेम कौन थिला? डिजास्टर इंक्वायरी कमिटी। या को डिजास्टर इंक्वायरी कमिटी मध्य कहा जाए हंटर कमिशन को। आपन को हंटर कमिशन देव ना हंटर कमिटी देव ना डिजास्टर इंक्वायरी कमिटी मध्य दे पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु वाज द लीडर ऑफ दिस हंटर कमिटी। हंटर कमिटर लीडर किए थे? हंटर कमिटी कहीं आसाला जालियांवाला हत्याकांड को जांच करने आर लीडर थे लॉर्ड विलियम हंटर थे लॉर्ड विलियम हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु गेव द ऑर्डर टू सेट अप द हंटर कमिटी। किए ऑर्डर दे थे हंटर कमिटी बा हंटर कमिशन सेटअप करने? एडविन मोंटेगु ऑर्डर दे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु गेव द स्टेटमेंट माय ऑब्जेक्ट वाज टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ सत्याग्रही फीलिंग ऑफ टेरर। यह किए दे थे ये स्टेटमेंट किए दे थे? यह देते जेनेराल रीजनल ओडर देते स्टेटमेंट टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, फ्रेंड्स आपन जदि वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना तेल करूँ। द रॉयल एक्ट एक्ट वाज पास्ट। रॉयल एक्ट एक्ट कहा द्वारा पास होता? बा कहीं पास होता रॉयल एक्ट एक्ट कहीं पास होता? यार सटिक आंसर है कर्चुआल द नेशनल एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। अर्थात रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी बढ़िया द्वारा ये रॉयल एक्ट एक्ट को ब्रिटिश माने पास करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु एमंग द फॉलोइंग हेड रिजाइन फ्रॉम द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोटेस्टिंग जालियांवाला मैसकर। किए रिजाइन कर देते वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौटार? वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल सार शंकर नायर रिजाइन कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमिटी रिपोर्ट ऑन जालियांवाला मैसकर वाज एनश्योर्ड बाय। यार हेड किए थे? तार किए थे हेड? महात्मा गांधी थे। यह ड्राफ्ट तैयारी करथिला कांग्रेस द्वारा। यार हेड थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज कैरेक्टराइज बाय मोंटेगु एज प्रिवेंटिव मर्डर। कोटा को कहते प्रिवेंटिव मर्डर को मर्डर कहते मोंटेगु जालियांवाला हत्याकांड को कही मोंटेगु कही प्रिवेंटिव मर्डर बोली कही। हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द जालियांवाला हत्याकांड। जितेबले जालियांवाला हत्याकांड होता से ही समय आम देशर वाइसराय किए थे तहार आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ। लॉर्ड मिंटो थे ना लॉर्ड डेलहाउसी थे ना लॉर्ड कैनिंग थे ना लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे? यार आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करूँ। वीडियो को लाइक करना तो करूँ। तेणु थैंक यू।